नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी के फोन को स्पाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आप उस पर इजीली स्पाई कर सकते हैं। आप जान सकते हैं वो बंदा अपने फोन में क्या कर रहा है और किसको मैसेजेस कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप जान सकते हैं। तो अगर आप एक फादर हैं तो आप अपने बच्चों पे भी नजर रखने के लिए ये चीज यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की एप्लीकेशन है और बहुत ही काम का आज का ये वीडियो है आपके लिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक का देखें, और आप लोग सीख जाओगे कि कैसे किसी के फोन में स्पाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में ब्राउजर ओपन करना है कोई भी, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यूसी ब्राउजर। और आपने URL में जाना है और एक वेबसाइट एंटर करनी है। URL है वेबसाइट का android.gatratuspy.com। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैंने पहले से एंटर की हुई है तो सजेस्ट कर रहा है पहले से ही इसको ओपन करेंगे। और ये वेबसाइट ओपन हो गई है और इसमें यहाँ पे बता रहा है डाउनलोड ऐप। तो आपको ये डाउनलोड एप्लीकेशन करना है दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो फोन है ये वो वाला फोन है जो आपको स्पाई करना है, यानी कि आप ये समझ लीजिए जिसका फोन आपको स्पाई करना है फिर हैक करना है, ये वो वाला फोन है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं जो ब्राउजर में या फिर अपने लैपटॉप में जाके करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों। आप ये देख सकते हो कि डाउनलोड 2.2 वर्जन से लेके 5.0+ तक ये वर्क करेगा। तो यानी कि अभी इन्होंने अपना वेब पेज अपडेट नहीं किया है तो ये 6.0 में भी वर्क करेगा। तो आप इसे यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। ये बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है और इसकी मैं जब तक डाउनलोड और आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। आप चाहो तो उसको अपने आईफोन और आईपैड में भी यूज कर सकते हो। इसमें GPS ट्रैकिंग, मैसेज मैनेज, कॉल्स मॉनिटर, इंटरनेट एक्टिविटीज या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप इसे पढ़ सकते हो इसकी वेबसाइट में जाके। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया तो इसको इंस्टॉल करते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको रूट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका रूट है भी ये डिवाइस तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बिना रूट के भी वर्क करता है। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है लॉग इन अकाउंट और रजिस्टर न्यू अकाउंट। तो मैं भी रजिस्टर करूंगा क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी यूजर नहीं हूँ। यहाँ से इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड और रिटाइप पासवर्ड करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम यहाँ पे मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दिया है और यहाँ पे अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ये रूटेड डिवाइस चेक किया, इसको अलाउ करना है। और ये दोस्तों डिवाइस एडमिन एक एप्लीकेशन होती है, इसको बताता है कि एक्टिवेट करने के लिए इस एप्लीकेशन के लिए, तो इसको हमें एक्टिवेट करना है एक्टिवेट पर क्लिक करके। और यहाँ पे उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों बता रहा है हाइड आइकन दा तृतीस्पाई, तो मतलब जो इस एप्लीकेशन का आइकन इस फोन में अभी हैगा उसको ये बता रहा है कि हाइड कर सकते हो आप। तो जो बंदा होगा जिसके फोन को आप स्पाई कर रहे हो वो इस एप्लीकेशन को देख नहीं पाएगा कि आपके फोन में उसके फोन में इंस्टॉल पड़ा है या नहीं पड़ा। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। और ये बता रहा है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन को दोबारा देखना है तो आपको अपने डायल पैड में जाना है, फोन जहाँ पे आप करते हो, और वहाँ पे अगर आप ये कोड एंटर करोगे तो आप इस एप्लीकेशन को अनहाइड कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको यस करेंगे। अब ये एप्लीकेशन हमारे फोन से हाइड हो चुका है। तो जो हमारा फोन का काम था दोस्तों वो हो चुका है, और आप ये देख रहे हो तो इस पर एप्लीकेशन अभी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी भी बंदे को अगर आप दिखाओगे अपना फोन, या फिर वो बंदा अपना किसी को फोन दिखाएगा, तो कोई जान नहीं पाएगा कि इसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन में इंस्टॉल पड़ा है। तो नोटिफिकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो फोन आपको बिल्कुल क्लीन है। अब जो काम करना है आपको वो करना है आपको विंडोज PC में, लैपटॉप में, या फिर आप चाहो तो एंड्रॉइड के किसी ब्राउजर में कर सकते हो, लेकिन मुझे उसमें करना थोड़ा ईजी लगता है तो मैं आपको उसमें करके दिखाता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, ये है मेरा विंडोज PC और उसमें मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर में गूगल ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे अपने गूगल में सर्च करना है दातृतस्पाई, और सर्च करने के बाद जो दोस्तों फर्स्ट पे वेबसाइट आएगी लॉग इन दातृतस्पाई, आपने उसको ओपन करना है।
एंड जो आपने उस फ़ोन में रजिस्टर किया था जिस मेल से और जो पासवर्ड से, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो ये मेरी मेल है और मेरा पासवर्ड है, मैं यहाँ से इसको लॉगिन करूँगा। और दोस्तों लॉगिन होने के बाद आप इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट अपडेट मंडे 1 अगस्त 9:25, यानी कि अभी मैंने कुछ देर पहले लॉगिन किया है। और ये बता रहा है योर लाइसेंस इज एक्सपायरी सून, और ये बता रहा है मेरा लाइसेंस ये है 3 अगस्त तक वैलिड है। तो ये आप कुछ दिनों के लिए कर सकते हो फ्री में, लेकिन अगर आप इसके प्रीमियम प्लान्स लेते हो तो आपको ये काफ़ी टाइम के लिए मिल सकता है। और इसका जो गोल्ड प्लान है उसमें भी आपको ये काफ़ी टाइम्स के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको सर्विसेज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं प्लान्स की। तो स्टैंडर्ड प्लान है, इसमें जो फ्री प्लान है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, उसमें इसको आप में GPS हिस्ट्री मिलेगी और SMS देख सकते हो आप उस बंदे के, और उसकी कॉल हिस्ट्री देख सकते हो और ऑटो आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। और उसके बाद अगर बात करें प्रीमियम प्लान की, तो उसमें आप URL हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, फ़ोटो और ऐप यूसेज हिस्ट्री, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप हिस्ट्री और वाइबर हिस्ट्री, फेसबुक हिस्ट्री और स्काइप हिस्ट्री, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब बात करते हैं गोल्ड प्लान की, तो मेरे ख्याल से इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सब कुछ मतलब उसका फ़ोन एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे इसके प्लान्स के बारे में। अगर आपको प्रीमियम यूज़ करना है तो आप प्रीमियम यूज़ कीजिए, गोल्ड यूज़ करना है तो गोल्ड यूज़ कीजिए। अगर आपको 2 या 3 दिन के लिए किसी का फ़ोन स्पाई करना है तो आप ये फ्री वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले ऐसे ही हिंदी टेक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में या फिर आपके मेल में आपको मिल जाएंगे। मैं जितेंद्र सिंह आपको ऐसे ही एक हिंदी टेक वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए वायरलेक्स के साथ।